Hey guys, welcome to my channel, and thank you for liking and commenting to my previous videos. इस टाइम मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे हूँ, एकदम से कैसे पहुँच गई. एक्चुअली हम इंडिया वापस जा रहे हैं, कज़न की मैरिज है उसकी वजह से. तो हमारी फ्लाइट का स्टे था सिंगापुर में, यहाँ से ही चेंज हो गया हमारी दूसरी फ्लाइट. तो यहाँ जो स्टे है वो हमारा अराउंड 10 to 11 आवर्स का है. तो हमने सोचा एयरपोर्ट के अंदर ही बैठे रहना इससे अच्छा है, सिंगापुर बाहर घूम ही आते हैं, फ्री का वीज़ा मिल रहा है, चलो घूम आते हैं, थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी. और वैसे भी ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली अब जब आपके लिए बहुत बिजी हो तो आप कभी सिंगापुर से चक्कर काट रहे हो, तो अगर ऐसा मौका मिले तो क्यों हाथ से जाना देना. और आपके पास आपके साथ सारी जो मैं एक ही दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो शेयर करना चाहती हूँ इंफॉर्मेशन, तो वो ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी भी कंट्री में, आपके पास किसी भी और कंट्री का वीज़ा है अपनी कंट्री के अलावा, जैसे कि मेरे पास ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है, तो अब मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं सिंगापुर आई हूँ और यहाँ पे मेरा इतना बड़ा स्टे, इतना लंबा स्टे है. तो ट्रांज़िट वीज़ा के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लोग इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई करते हैं, पैसे देते हैं या कुछ भी, आपको सिंगापुर में ट्रांज़िट वीज़े के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये सब डिपेंड करता है सम कंडीशंस पे, और इमिग्रेशन ऑफिसर है जो यहाँ पे सिंगापुर में, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रहे होते हो, वो उस पर डिपेंड करता है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकट्स, जो कि जहाँ से आप आए हो वहाँ की और जहाँ आपको जाना है वहाँ की टिकट आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वीज़ा का वो आपके पास होना चाहिए. वो वही देखते हैं, चेक करते हैं और आपको वीज़ा दे देते हैं, जैसे कि हमें मिल गया. थैंक गॉड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फॉर्मेशन थी, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. अगर कभी भी सिंगापुर में से जा रहे हो और आपका बहुत लंबा स्टे है, तो एयरपोर्ट पे बैठने से अच्छा है बाहर निकलो, सिंगापुर एक्सप्लोर करो नई जगह को, जैसे कि हम करने जा रहे हैं. और मैंने सोचा कि चलो फिर आप लोगों को भी घुमा ही दिया जाए, अगर जा ही रहे हैं तो वीडियो बना ही ली जाए. सेकेंड थिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन. उसके लिए जो सबसे बेस्ट एंड चीप पड़ता है वो यहाँ पे MRT बसेज हैं. यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन पे आपको क्या, एयरपोर्ट पे जो आप बस स्टेशन है वहीं से आपको MRT का कार्ड मिल जाएगा, और उसमें आप रिचार्ज करवा लो. जब आप वापस आते हो तो जितने पैसे का आपको वो कार्ड मिला होता है वो सारे आपको पैसे फिर से वापस हो जाते हैं, जो आपने बीच में रिचार्ज करवाया होता है जो और यूज़ किया होता है वो तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, लेकिन कार्ड के पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, है ना मज़दार इनको. और अभी यहाँ पे हम पहुँचे थे अराउंड 3:30 3:30 AM पहुँचे थे, और MRT यहाँ पे 5:30 पे चलना शुरू हो जाती हैं, 5:30 AM पे चलना शुरू हो जाती हैं. तो बस उसी का वेट कर रहे हैं. हमने अभी अभी कॉफ़ी पी है देख सकते हो, और मैं घर से कुछ पैटीज़ वगैरह बना कर लाई थी वो खाई हैं. और बस सबसे पहले हम सोच रहे हैं मुस्तफ़ा जाने का, क्योंकि मुस्तफ़ा 24/7 खुला होता है, और सोचा कि सबसे पहले वहीं पे जाते हैं, थोड़ा घूम फिरेंगे, चीप है, अच्छा है, बहुत सारी अच्छी शॉपिंग की चीज़ें मिल जाती हैं, और वन ऑफ द क्या कहते हैं उसको, फेमस मॉल्स में से है सिंगापुर का. तो सबसे पहले वहीं पर जाएंगे, तो देन सी यू देयर. तो ये टूरिस्ट कार्ड जो है, टूरिस्ट पास जो है, ये लिया है हमने MRT के लिए. ये एक दिन का हमने लिया है, जिसमें $10 हमें कॉस्ट पड़ी है, पर टोटल हमें कॉस्ट 20 का एक कार्ड पड़ा है जिसमें से $10 रिफंडेबल है. तो अभी हम लोग आए यहाँ पे, हरदेव की एक फ्रेंड है, जो कि जब हरदेव यहाँ पे रहता था तो उसी टाइम मतलब फ्रेंड्स बने थे. तो हमने जो अपने कैरी बैग्स उठाए हुए थे, कैबिन बैग्स, वो बहुत भारी लग रहे थे, तो हमें लगा नहीं कि वो उठा के हम लोग घूम पाएंगे. तो हम लोग ने सोचा कि हम इसके जो हरदेव है उसके फ्रेंड के रूम में रख जाते हैं बैग्स, ताकि हम मज़े से घूम पाएँ. हमारे शोल्डर्स बेचारे, क्योंकि मेरे तो बस हो गई थी बुरी तरह से बैग उठा उठा के. तो फिर अभी हमने छोड़ा है उनका बैग, और मेरे पीछे की लोकेशन देखो कितनी सुंदर है, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ.
और बस अभी हम यहीं से मुस्तफ़ा के लिए निकलने वाले हैं और लिटिल इंडिया वहाँ आसपास सारी जगह घूमेंगे और शॉपिंग करेंगे। ठीक है ना, बड़े दिनों बाद जा रहा हूँ वापस अपने एरिया में। ये क्रॉस करना, लुक एट द बिल्डिंग्स, बहुत ही सुंदर है सिंगापुर, बहुत सुंदर है। तो लो जी, पहुंच गए हम मुस्तफ़ा सेंटर। और ये जो एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है मुस्तफ़ा सेंटर की। मुस्तफ़ा सेंटर बीच में रोड है और दोनों साइड पे है, तो जो एक साइड पे है मुस्तफ़ा सेंटर, ये उसकी मेन एंट्रेंस है। तो चलो घूमते हैं। ये देखो वर्साची का पूरा पैक 2478। मुस्तफ़ा से हम निकल आए हैं और अभी हमें बीबो सिटी हार्बर टाउन हरदेव कह रहा था कि हार्बर फ्रंट हरदेव कह रहा था कि बहुत सुंदर, सबसे सुंदर मॉल है यहाँ का। तो मतलब हमने मुस्तफ़ा से जो नई भी शॉपिंग करनी थी वो भी खर्च कर ली है, जितने नए खर्च करने थे उतने कर चुके हैं, पता नहीं यहाँ क्या करेंगे, देखते हैं। चलो देखते हैं। मेरी हालत बुरी हुई पड़ी है क्योंकि हम लोग जब से घर से निकले हैं उसके बाद हम सोए नहीं। फ्लाइट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो वहाँ पे भी नींद नहीं आई इतनी अच्छी तरीके से, कंफर्टेबल नहीं था। और
तब से बस यहाँ पे घूम रहे हैं मुसाफा में। इतना सामान, इतनी वैरायटी है हर चीज़ में, आप बस नाम लो और उस चीज़ में आपको इतनी वैरायटी मिलेगी। तो देख देख के पागल हो गए, इतना बड़ा है मुस्तफ़ा, घूम घूम के पागल हो गए, पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बस यही है कि आए हैं तो घूम लेते हैं बस। तो अभी हमने कुछ खाने को लिया है, मैंने ऑरेंज जूस और एक ये चीज़ गार्लिक ब्रेड है और साथ में थोड़ा सा स्मूदी टाइप कुछ है, और हर दिन मैकडोनल्ड्स ऑफ कोर्स, वो मैकडोनल्ड्स ही लेगा, हम बेचारे वेजिटेरियन। तो हम लोग अपने लास्ट वाले मॉल से वापस आ गए हैं, फाइनली जो मुझे लेना था सिंगापुर से वो मुझे मिल गया, थैंक गॉड, आना सफल हो गया मेरा, तो शॉपिंग ऑल डन। हमें चाइना टाउन भी जाना था, हमारा प्रोग्राम था चाइना टाउन का, पर अब वो कैंसिल हो गया क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो उसका टाइम हो गया, हमने पता नहीं कैसे टाइम कहाँ कहाँ बर्बाद कर दिया, टाइम ही निकल गया सारा, तो चाइना टाउन फिर कैंसिल। देखेंगे अगर नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो फिर देख लेंगे चाइना टाउन, अभी तो पॉसिबल नहीं है। मैं वहाँ पे सिंगापुर में वीडियो का एंड नहीं बना पाई थी क्योंकि हमारी बस आ गई थी, बहुत जल्दी से जल्दी जाना पड़ा था, टाइम हो गया था एयरपोर्ट जाने का, तो इसलिए हम उसके बाद हम सीधे हरदेव के उसी फ्रेंड के घर गए थे जहाँ हमने अपना सामान रखा हुआ था, और वहाँ से हमने अपने बैग्स उठाए और सीधे एयरपोर्ट पे भाग गए थे। तो अगर आप कभी भी सिंगापुर जा रहे हो तो मुस्तफ़ा आपको ज़रूर 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 जाना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा वहाँ पे कितनी वैरायटी है हर एक चीज़ में, बस नाम लो, शूज़ में, कपड़ों में, ज्वेलरी में, वॉचेस में, कॉस्मेटिक में, हर चीज़ में वैरायटी है। तो आपको अगर जाना है सिंगापुर में किसी ऐसी जगह जहाँ आपको शॉपिंग करनी है तो मुस्तफ़ा ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे बहुत ही चीप है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप जा रहे हो वापस किसी के लिए गिफ्ट्स लेके जाने हैं तो मुस्तफ़ा इज़ द बेस्ट। चाइना टाउन भी जाना था बट नहीं था टाइम, क्या कर सकते हैं, तो बस घुमा लिया आपको जहाँ जहाँ हम घूमे थे। और इसके अलावा मैंने कुछ क्लिप्स भी बनाई हैं, जो बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स लगी थी मुझे वहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें, तो अब आप उस चीज़ का नज़ारा लीजिए। चला जा।